अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे टेलर इन क्लास 18। उसमें हम सीखेंगे सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग। फ्रेंड्स, ये ब्लाउज़ 32 साइज़ के लिए है। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन, ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन पहले मिल सके। फ्रेंड्स, ये हमने फैब्रिक लिया है, कॉटन का है। अभी इसे मैं डबल फोल्ड कर लूँगी। फ्रेंड्स, और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। फ्रेंड्स, देखिए, हमने ऐसे डबल फोल्ड कर लिया है और जो फोल्डेड साइड है फ्रेंड, उसको अपनी तरफ रखना है और जो ओपन साइड है ऊपर की तरफ रखना है। अभी अच्छे से इसे सेट कर लेना है। फ्रेंड्स, अभी हमने लिया इसे 15 इंच पे, हमने मार्क किया लेंथ। ब्लाउज़ की लेंथ हमने लिया है 15 इंच। फ्रेंड्स, रेडी लेंथ 14 है, उसमें हमने 1 इंच मार्जिन लिया है, तो हो गया 15 इंच। ऐसे हमने 15 इंच पे मार्क कर लिया। अभी ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फ्रेंड्स, अभी यहाँ से हमें लेना है शोल्डर। शोल्डर हमने लिया है 6 इंच, ऐसे मार्क कर लेंगे। आर्म होल भी हमने लिया है 6 इंच, ऐसे मार्क करके दोनों मार्क को जॉइंट कर लेंगे, ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फ्रेंड्स, चेस्ट के लिए भी हमें 4 से डिवाइड कर लेना, तो 32 को आपको 4 से डिवाइड कर लेना है, उसमें 1/2 इंच मार्जिन लेना है। तो फ्रेंड्स, 8.5 पे हमने मार्क कर लिया है और ऐसे लाइन ड्रॉ कर लिया है। फ्रेंड्स, हमने 1/2 इंच पे भी मार्क कर लिया, तो 8.5 इंच हो गया है। अभी हम यहाँ से कमर के लिए मार्क करेंगे, तो हमारा कमर है 28 इंच, उसको हमने 4 से डिवाइड करें तो 7 इंच आया। फ्रेंड्स, और उसमें 1 इंच मार्जिन लिया, तो 8 इंच पर हमने मार्क कर लिया। अभी ये दोनों लाइनों को हमें जॉइन कर लेना है। फ्रेंड्स, हमने वहाँ पे कमर पे 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, वहाँ पे हमें टक्स करना है इसके लिए। अभी यहाँ से हमें 2 इंच मार्जिन ले लेना है। आर्म होल के लिए मार्क करना है, तो उसके लिए आपको टेप को ऐसे रख लेना है और ऐसे फोल्ड कर लेना है और ऐसे मार्क कर लेना है और शेप दे देना है कर्व में। देखिए, ऐसे आपको शेप दे देना है। और जो फ्रेंड्स ये गैप है, ये 1 इंच का रहना चाहिए, तो ऐसे आपको टेप रख लेना है क्रॉस में और 1 इंच पे मार्क करके फिर कर्व में शेप दे देना है। अभी हमें यहाँ से नेक के लिए मार्क करना है, तो नेक विथ हमने लिए 2.5 इंच और नेक लेंथ लिए हमने 6 इंच। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे बॉक्स बना लेना है। फ्रेंड्स, उसके बाद आपको राउंड में शेप दे देना है। टक्स के लिए मार्क करना है। फ्रेंड्स, तो यहाँ से आपको 3.5 इंच पे मार्क कर लेना है और फिर यहाँ से भी आपको 3.5 इंच पे मार्क कर लेना है और लाइन ड्रॉ कर लेना है। फ्रेंड्स, अभी आपको दोनों साइड से 1/2 इंच पे मार्क करना है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। अभी स्केल रख के आपको ये दोनों लाइन जॉइंट कर लेना है। देखिए, ऐसे स्केल रखना है, अभी ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेना है दोनों साइड। फ्रेंड्स, बैक साइड की टक्स के लिए हमने मार्क कर लिया है, अभी हमें इसकी कटिंग कर लेना है जो हमने मार्क किया है। फ्रेंड्स,
देखिए बैक की कटिंग हो गई है, अभी आपको फ्रंट की कटिंग करना है। तो इसके लिए आपको जो ओपन साइड है अपनी तरफ रखना है। ये फ्रेंड्स दो पीसेस है और हाफ इंच पे आपको मार्क कर लेना है ओपन साइड से, और जहाँ से आपने हाफ इंच पे मार्क किया है वहाँ से आपको ऐसे रखना है, यानी हाफ इंच आपको छोड़ के बैक पार्ट रख लेना है, अच्छे से सेट कर लेना है। उसके बाद इसको ट्रेस कर लेना है। गले से लेके यहाँ तक हमने ट्रेस कर लिया है, और यहाँ से आपको हाफ इंच मार्जिन ले लेना है। यह हाफ इंच इसलिए हम मार्जिन ले रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे टक्स आएगा तो ये छोटा हो जाएगा, इसलिए हमने हाफ इंच मार्जिन लिया। और यहाँ पे नहीं लेना है फ्रेंड्स कमर पे मार्जिन। अभी जो मार्क किया है ऐसे आपको कमर तक ऐसे जॉइंट कर लेना, लाइन ड्रॉ कर लेना है। फ्रेंड्स यहाँ से भी हाफ इंच मार्जिन ले लेना है और लाइन ड्रॉ कर लेना है, ऊपर तक हाफ इंच का मार्जिन लेना है और लाइन ड्रॉ कर लेना है। फ्रेंड्स देखिए हमने लाइन ड्रॉ कर ली है, अभी आपको बैक पार्ट रिमूव कर लेना है। अभी यहाँ से हमें टक्स के लिए मार्क करना है, तो हम यहाँ से लेंगे 4 इंच और यहाँ से भी हम लेंगे 4 इंच और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फ्रेंड्स हमने इसे लाइन ड्रॉ कर ली, अभी दोनों साइड से हाफ हाफ इंच मार्क कर लेना है और ऐसे स्केल रख के लाइन जॉइंट कर लेना है दोनों साइड से। फ्रेंड्स अभी यहाँ से इसे क्रॉस टेप रखना है और 1.5 इंच पे मार्क कर लेना है, यानी 1.7 इंच पे, और ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेना है। फ्रेंड्स फिर यहाँ से हमने 1.5 इंच पे मार्क किया, अभी यहाँ से भी आपको ऐसा क्रॉस टेप रख लेना है, 1.5 इंच पे मार्क कर लेना है, यानी 1.7 इंच, और ऐसे क्रॉस टेप रख के यहाँ से आपको इसे लाइन ड्रॉ कर लेना है। फ्रेंड्स अभी यहाँ से भी आपको 1.5 इंच पे मार्क कर लेना है और आर्म होल में इसे क्रॉस टेप रख के आर्म होल तक लाइन ड्रॉ कर लेना है। इस पर हमने हाफ इंच मार्क किया दोनों साइड, और ये जो टक्स हमने जो भी मार्क किया फ्रेंड्स उस पर आपको दोनों साइड 2-2 पॉइंट पे मार्क कर लेना है और लाइन ड्रॉ कर लेना है।
फ्रेंड्स, अब यहाँ से हमें फ्रंट आर्म होल के लिए मार्क कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स हमें इसकी कटिंग कर लेना है। फ्रेंड्स कटिंग हो गई है फ्रंट पार्ट की। अभी जो ये टक्स के मार्क जो हमने किए हैं दूसरे पार्ट पे भी हमें इसे मार्क करना, तो उसके लिए आपको जो हमने मार्क किया है फ्रेंड्स ये उल्टी साइड मार्क किया है फ्रेंड्स, और ये जो पार्ट है उसे भी उल्टी साइड रखना है और इसको इसके ऊपर रख लेना है और डैप डैप करके इसे ट्रेस कर लेना है। उसके बाद आपको चॉप की हेल्प से इसे डार्क कर लेना है। फ्रेंड्स हमने मार्क को डार्क कर लिया है। अभी हमें स्लीव्स की कटिंग करना है, तो उसके लिए हमने फैब्रिक को फोर फोल्ड कर लिया है फ्रेंड्स। अभी उसके बाद हमने लेंथ लिया है 7 इंच, हमारी रेडी लेंथ है 5 इंच और 2 इंच हमने लिया है मार्जिन फोल्डिंग के लिए। अभी यहाँ से हमें लेना है 9.5 इंच आर्म होल, 32 साइज़ के लिए फ्रेंड्स। उसके लिए हमने आर्म होल लिया है 9.5 इंच। अभी यहाँ से हमें लेना है 2.5 इंच, ऐसे 2.5 इंच पे हमें मार्क कर लेना है फ्रेंड्स। अगर इससे बड़ी साइज़ होती है तो हमें 3 इंच पे मार्क करना होता है, तो हमने ये 32 साइज़ कट कर रहे हैं तो इसके लिए हमने 2.5 इंच पे मार्क कर लिए। अभी यहाँ से हमें बॉटम के लिए मार्क करना है, तो हमने बॉटम ली है 6.5 इंच, उसकी रेडी लेंथ बॉटम में हमारा रेडी 5.5 इंच है, उसमें 1 इंच मार्जिन लिया है इसलिए हमने 6.5 इंच पे मार्क कर लिया। अभी ये दोनों मार्क को हमें ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेना है, टेप रख के इसे क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लेना है। फ्रेंड्स हमने लाइन ड्रॉ कर ली है, अभी हमें बैक आर्म होल के लिए ऐसे मार्क कर लेना है। देखिए ऐसे कि हमारे बैक आर्म होल के लिए हमने मार्क कर लिया, अभी इसकी हमें कटिंग कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स हमने कटिंग कर लिया, यहाँ पे एक हम कट मारेंगे, इसको ओपन करेंगे और अभी हमें फ्रंट आर्म होल के लिए मार्क करना है। तो फ्रेंड्स फ्रंट आर्म होल के लिए आपको मार्क करना है, तो दोनों राइट साइड अंदर रहेगी या फिर दोनों रॉन्ग साइड अंदर रहेगी। उसके बाद हम इसे शेप दे देंगे फ्रंट आर्म होल के लिए और इसकी कटिंग कर लेंगे। मैं इसके लिए पट्टी कट कर लें, तो एक 3 इंच की कट करेंगे फ्रेंड्स और एक 2 इंच की कट करेंगे। तो ऐसे हमने फैब्रिक बचा हुआ है मेन फैब्रिक, उसमें से लेंगे और ये 9.5 इंच है फ्रेंड्स, तो 9.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और एक 3 इंच की कट कर लेंगे पट्टी और एक 2 इंच की। हमने बटन पट्टियाँ कट कर ली है, अभी इसको हमें जो 2 इंच की पट्टी है फ्रेंड्स उसको आपको राइट साइड रखना है, जो 3 इंच की पट्टी है फ्रेंड्स उसको आपको लेफ्ट साइड रखना है। तो फ्रेंड्स आज की आपको सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसकी स्टिचिंग आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ़।